तो ये अभी देख रहे थे जो ये सोनू सूद हैं, मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस का उद्घाटन कर रहे हैं, सामने नारियल फोड़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएंगे कि इस लॉकडाउन में आपने किसी विधायक किसी सांसद को देखा जिसमें वो मजदूरों के साथ हो, कुछ बातें करता हो और ये कहता हो कि चलो मैं तुमको अपने घर पहुंचा देता हूं? ऐसा आप एक किसी एक सांसद या फिर किसी राज्य के विधायक का नाम बता दें तो मैं आपको मान जाऊँगा। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि किस विधायक और किस सांसद ने कितनी ज़्यादा आलोचना वाली बात करी है और इस लॉकडाउन में मजदूरों के साथ खड़ा ना होने की बजाय उस पर राजनीति की। और ऐसे ही एक सांसद के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें एक इतनी घटिया राजनीति आखिर कोई कैसे कर सकता है। लोग प्राथमिकता देखते हैं कि मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया जाए, मजदूरों को उनको खाना दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, बजाय इसके कि वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा अभिनेता मतलब गरीबों की लॉकडाउन में मदद करने आ रहा है, कई बसें चलवा रहा है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार और लखनऊ, पटना, जितने भी मजदूर थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को जितनी क्षमता हो सकती है उसके हिसाब से सोनू सूद ने कई बसें चलवाई और हज़ारों मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया। और इस पर एक सांसद जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र की सरकार में हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, संजय राउत की मैं बात कर रहा हूँ। संजय राउत उनका नाम है और वो अभी शिवसेना के सदस्य हैं। उन्होंने एक आलोचना की है, एक बात भी बोली है, मैं आपको बताऊंगा। और ये बिल्कुल आलोचना करने वाली बात है, जब कोई एक राजनेता किसी फील्ड से किसी राजनीति में आता है, राजनीति में नहीं आता मतलब कि किसी की सेवा करने आता है, तो उसकी टांग खींच करके उसको राजनीति में ले जाना बिल्कुल भी ज़रूरी आता है ऐसे सांसद और विधायकों की। आप एक सांसद और एक विधायक का नाम बताइए जिसने इस लॉकडाउन में एक गरीब मजदूर की मदद की हो और रोड पर उतरा हो और गरीबियों को साथ चला हो, ऐसा आप किसी का नाम नहीं बता सकते। महाराष्ट्र सरकार में ये शिवसेना के सदस्य हैं, इनका नाम है संजय राउत। बात खड़ा हुई तब जब इन्होंने सोनू सूद को महात्मा कह दिया, और महात्मा कहना इतनी छोटी बात नहीं है, ये एक तरीके का उपहास उड़ाना होता है। और इस तरीके की राजनीति में किसी भी फील्ड से जो व्यक्ति अच्छा हो, अपनी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो दूसरे की मदद करना चाहता हो, तो बिल्कुल भी इस तरीके से हिचकेगा अगर इस प्रकार की अगर राजनीति होगी सोनू सूद के ऊपर संजय राउत जैसे सांसदों द्वारा, तो कोई भी राजनेता, बड़ा राजनेता या फिर कोई भी अभिनेता जो होगा वो इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसका कारण भी सबसे ज़्यादा यही रहता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसकी आलोचना होती है, उपहास होता है बाद में, और इसी डर से वो नहीं बोलता है। आखिर जो सोनू सूद ने किया उस प्रकार का एक विधायक और सांसद मुझे बताइए जिसने बस चलाया और गरीबों को उनके घर तक पहुंचा, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि जहां सोनू सूद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूरों को उनको रोड से उठाकर उनके घर पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसी राज्य के शिवसेना के सदस्य संजय राउत ये बात बोलते हैं कि वो एक महात्मा बनने की तरफ हैं और इसमें बीजेपी पार्टी का जरूरी सपोर्ट होगा। आखिर उनको बसें कहाँ से मिल जा रही हैं, इतनी सहायता कहाँ से मिल जा रही है? मुझे आप एक बताइए कि संजय राउत जैसे सांसद विधायक क्या इन्होंने कोशिश किया कि इस प्रकार की बसें चलाकर कि लॉकडाउन में जो फंसे मजदूर हैं, बेबस है, लाचार हैं, कितने किलोमीटर चल रहे हैं उनको घर तक पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं किया होगा। अब मैं एक मैसेज आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें बहुत सारे मैसेज आएंगे, आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं पढ़ सकता। इतनी लाचारी, बेबसी और इतनी सहायता से वो मैसेज भेजे जा रहे थे सोनू सूद के व्हाट्सअप के ऊपर कि सोनू सूद ने उसको वायरल भी किया था और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। अब आप एक मुझे बात बताइए, संजय राउत जैसे लोगों के, वो सांसद हैं, आप एक बात समझिएगा कि वो एक अभिनेता हैं, सोनू सूद एक अभिनेता हैं और वो एक सांसद हैं। सांसद एक बहुत बड़ा पद होता है, राज्यसभा का एक अध्यक्ष, एक मेंबर हैं, वो राज्यसभा में एक मेंबर हैं, सांसद हैं। मुझे आप एक बताइए कि उनके व्हाट्सअप पे केवल एक मजदूरों का व्हाट्सअप गया भी होगा क्या, मैसेज गया होगा क्या सहायता देने के लिए कि आप मुझे अपने घर छोड़ दीजिए, मुझे इसकी कमी है, मुझे
दिखाना चाहिए। संजय राउत के व्हाट्सएप मैसेज पर एक भी ऐसा मैसेज नहीं गया होगा, लेकिन सोनू सूद के मैसेज पर ऐसा गया है। और संजय राउत जैसे सांसद सांसद जो है इस प्रकार की जब आलोचना करते हैं तो बहुत ही दुख होता है लोगों को, और अच्छे लोगों को दुख होता है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने वाले लोग अगर जब तक राजनीति में होंगे तब तक अच्छे व्यक्ति भी राजनीति में आकर किसी गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते। और गरीब लोग फंसे ही हैं राजनीति में, राजनीति इसी पर टिकी हुई है, गरीबों की बेरोजगारी पर, लाचारी पर, बेबसी पर, अमीरी गरीबी पर, धर्म और जाति पर ये राजनीति टिकी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में जो बांद्रा जो हादसा हुआ था, बांद्रा हादसे में आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, इसमें महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से उत्तरदायित्व बनता है। मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन की सूचनाएं लेकर आप जा सकते हैं कि लॉकडाउन है, आप किसी को बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल आता है इसमें सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं घर जाने के लिए, और ये एक अफवाह के आधार पर लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस प्रशासन इस बात को पुख्ता कर सकती थी कि इससे पहले अनाउंस कर सकती थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है कि वो घर जाएगा तो भूल जाए कि वो घर जाने वाला है, ट्रेन बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। लेकिन लोगों में ये अफवाह फैलाया गया कि ट्रेनें चलेंगी और लोग बांद्रा पुलिस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और तमाम कोरोना वायरस का बिल्कुल भी लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। केवल ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आप शिवसेना की कई बातें देख सकते हैं, जैसे कि पालघर की घटना है, पूर्व सूचना मिलने के पश्चात भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस प्रशासन के सामने दो साधुओं को लाठियों से, हाथों से और डंडों से मारकर उनके वहां पे मार दिया जाता है। मैं केवल पालघर की नहीं बात बता रहा हूं, महाराष्ट्र के आप नांदेड़ की बात कर सकते हैं। नांदेड़ में भी एक महीना बीतता नहीं पालघर की घटना को होते हुए और एक और घटना घट जाती है जिसमें से दो साधुओं को उनका गला रेत करके मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। ये है महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। और राज्यसभा सांसद उदय राउत जैसे लोग जो कि इस प्रकार की आलोचना करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र के ही एक गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में सोनू सूद का बहुत बड़ा हाथ रहा है और ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उसी शिवसेना के एक मेंबर संजय राउत का ये बयान है कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। संजय राउत ने लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद का नाम एक महात्मा तैयार हो गया है। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है? राउत ने प्रवासी मजदूरों को बस में भेजने के लिए आए पैसे पर सवाल उठाते हुए सोनू सूद को भाजपा का मुखौटा बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर प्रियोरिटी आप देखिए कि एक सांसद मेंबर हैं, इनकी प्रियोरिटी इस बात पर नहीं बनती है कि आखिर वो गरीब मजदूरों की बेबसी की जो मजदूरी उनकी सहायता कर रही है, इनको प्रियोरिटी नहीं दे रहे। उनको चिंता ये है कि आखिर वो किस पार्टी से जुड़े हैं, उनको कहाँ से पैसा मिल रहा है, ये सारी तमाम चीज़ें। लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, आपको मैं बता दूं, अपने व्यक्तित्व और खुद के बलबूते पर, खुद की आर्थिक व्यवस्था जितना भी हो सकता है उन्होंने किया है मजदूरों के लिए, और ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसे सीखना चाहिए जितने भी विधायक और सांसद हैं। ऐसे लोग विधायक और सांसद अगर देश में उतर जाते तो लॉकडाउन में कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलता। एक विधायक और एक सांसद बताइए जिसने एक मजदूर को चप्पल तक भी दिया हो, नहीं दिया होगा। खाने की बात तो आप छोड़ दीजिए। इसी प्रकार की राजनीति देखने को मिली उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ सरकार की है उत्तर प्रदेश। और प्रियंका गांधी ने 1000 बसें चलाने का वादा किया था, उसमें से कुछ बसों जो हैं उसमें से कुछ ऑटो, रिक्शा, साइकिल, ये सारी चीज़ें निकल गई थी। मतलब 1000 में कुछ कम थी, लेकिन 850 थी, लगभग 900 तो थी इतनी। इस पर भी एक राजनीति छिड़ी कि प्रियंका गांधी जो है ना वो लॉकडाउन में मजदूरों के साथ एक झूठा बोल रही हैं, मतलब एक घटिया राजनीति कर रही हैं एक प्रकार का कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 800 से ज़्यादा बसें थी, लेकिन इस पर योगी प्रशासन ने उसको अप्रूव्ड नहीं दिया। अपने लॉकडाउन पैदल चला सकते हैं लेकिन बसों में नहीं बैठा सकते, ऐसी बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। जबकि इस लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं योगी सरकार के, अगर रोज़गार की बात करें तो मुझे आप एक बताएं कि योगी सरकार में इतना ही अगर रोज़गार के प्रति इतना ही उत्तरदायित्व है तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला आबादी दूसरे राज्यों में काम करने जाता है, और इसका पूरी तरह से उत्तरदायित्व है योगी आदित्यनाथ सरकार। जो मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए थे वो अपने राज्य में आ रहे थे, बावजूद कि आप उनके लिए बसें चलाएं, आप नहीं अगर दूसरी पार्टी चला रही है उसको अप्रूव दें, बल्कि आपने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल उन बसों को रोक दिया। तो इस प्रकार की राजनीति हो रही है, और संजय राउत जैसे जो सांसद हैं इस प्रकार की राजनीति तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर इस प्रकार की राजनीति हुई तो अच्छे व्यक्ति भी गरीब की मजदूर करने के लिए इस राजनीति में कभी नहीं आएंगे, ये बात तय है। चलिए मिलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, तकली जय हिंद, जय भारत।
और इस प्रकार के सांसद और विधायकों को मैं एक बात कहूँ कि अगर वो रोड पर उतरते तो इस प्रकार की मजबूरी तो कभी नहीं आती।